हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सूरज स्वागत करता हूँ आपको मिस्टर राइट चैनल में। एंड गाइस, काफी इंपॉर्टेंट ये शेयर है, तो इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। नाम है यूपीएल एंड आपको जो है यहाँ पे टॉप गेनर्स में आज इसने जगह बनाई। 588.15 पे करंटली शेयर चल रहा है। तो गाइस, इसके बारे में मैं आज ही नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, इसके बारे में मैंने अपने मेंबर्स को कल ही बता दिया। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो ये आपके सामने ये व्हाट्सएप ग्रुप है, देख सकते हैं। एंड मैसेजेस ये देख सकते हैं, टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए साइड में कि टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं कि कल जो है 7 बजे के करीबन ही मैंने आपको ये शेयर दे दिया था विद SL टारगेट एंड टारगेट टू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे टारगेट यहाँ पे अचीव कर दिए इसने एंड लगभग 22 रुपीज अप मार दिया यहाँ से, ठीक है। तो काफी शानदार ये शेयर गया। एंड होपफुली जिन्होंने भी यहाँ पे मेरे मेंबर्स ने बाय किया होगा तो उनका जो है यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। देख सकते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये मैंने आज भी वीडियो बना दी। तो यहाँ पे व्हाट्सएप में साफ साफ देख सकते हैं कि कल ही, और मेरे प्राइम मेंबर्स से भी आप लोग पूछ सकते हैं जो ज्वाइन मेरे साथ हो रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए एंट्री पॉइंट वगैरह मैंने कल ही दे दी थी ये, और यूपीएल उस समय डाउन था, देखिए 17 डाउन था, फिर भी जो है मैंने यूपीएल में इंट्राडे कर मेंबर से, ठीक है। तो काफी शानदार ये शेयर था एंड यहाँ पे पॉजिटिव चला। तो गाइज, इसके बारे में बात करेंगे, तो चलिए सच्ची सी वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, इससे पहले अगर हम लोग बातचीत आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे जो है हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है जिसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 500 रुपीज मंथली से। एंड आपके पास अगर टाइम नहीं होता है एनालिसिस करने का तो यहाँ पे जो है हम जो है एनालाइज करके देंगे आपको कुछ शेयर्स, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं रहता है। आप लोग कई लोग ऐसे हैं अभी जो ये कोरोना काल में यहाँ पे न्यू बंदे जो है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जुड़े हैं जिनको अभी कुछ भी नहीं नॉलेज है इसके, ठीक है। तो अगर वो गलत जगह पैसा लगा देते हैं तो उनके पैसे डूबने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए किस समय एंट्री करनी है, किस समय एग्जिट लेना है। तो ये सब हम लोग आपको बताएंगे। इसके लिए आपको बस 500 रुपीज मंथली पे करना है एंड आपको जो है हम ग्रुप ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे काफी मेंबर्स हैं हमारे जो कि डेली प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो आप लोग भी यहाँ पे डेली प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है आपको एनालाइज करके देंगे पूरी डिटेल्स, कौन से शेयर अभी भी अंडर वैल्यूड है, कौन से क्या है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनती है, कहाँ पे एग्जिट बनता है, तो सारा कुछ हम बताएंगे। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो गाइज, स्क्रीन में जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड ओनली व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक। सो गाइज, मैं अब आपको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में लेके आया हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हैं आज ब्रेकआउट हुआ है 581 का। इसके ऊपर 3-4 दिन से ये यहाँ पे पहुंचने की कोशिश कर रहा था इसके ऊपर, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ ऊपर गया फिर अगले दिन डाउन आया, ठीक है। तो यहाँ पे आज जो है इसके ऊपर फुली जो है सस्टेन हो गया एंड यहाँ पे जो है मे बी आपको 600 का टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकता है। यहाँ पे देखिए 52 वीक का यानी कि 1 साल का हाई देखें तो 601 है। उसके बाद जो है यहाँ से 601 से फिर डाउनफॉल देखने को मिला था, ठीक है। तो 601 का ही यहाँ पे ब्रेकआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर ये शेयर और ऊपर जाना चाहता है, ठीक है। तो मे बी कल आपको देखने को मिले और अच्छा यूपीएल से, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को ट्रेडिंग वगैरह इंट्राडे की टिप्स चाहिए तो वो आप लोग डिटेल्स मैंने बता दिए। तो गाइस, अभी मेरे को और यहाँ से टारगेट खुलते हुए नजर आ रहे हैं एंड 606 का टारगेट, मैं यहाँ से फर्स्ट टारगेट 606 का लेके चल रहा हूँ जो कि अगर वेडनेसडे से पहले अचीव हो गया तो ठीक है, क्योंकि थर्सडे को तो गाइस बहुत सारे शेयर गिरने वाले हैं, ठीक है। तो संभालना मुश्किल हो जाएगा कि कौन कौन सा शेयर गिरेगा और कौन कौन सा नहीं गिरेगा, क्योंकि निफ्टी बहुत गंदा डाउन जा रहा है, ठीक है। इस वजह से आपको बहुत संभल के खेलना पड़ेगा एंड अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्लीज अभी अवॉइड कीजिए, सिर्फ इंट्राडे कीजिए, 1-2 दिन बचे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए। तो चलिए, अब मैं टिकट टेबल लेके चलता हूँ आपको और क्या और अपडेट है यूपीएल के बारे में, सो यहाँ पे जान लेते हैं। सो गाइस, अब मैं आपको टिकट टेबल में लेके आया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे मेन बात है कि इंट्रेंसिक वैल्यू इसकी यहाँ पे ग्रीन इंडिकेशन दे रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये शेयर आपको अंडर वैल्यूड मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे काफी शानदार बात है कि शेयर जो है आपको इतना अच्छा अंडर वैल्यूड मिल रहा है, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे रिटर्न आपको FD के मुकाबले अच्छा दे रहा है। डिविडेंड काफी कंपनियां होती है जो अच्छा नहीं पे कर पाती है, तो उनमें से UPL भी है, ठीक है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो बिल्कुल अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, तो आप लोग जो है यहाँ पे बाइंग अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं जो है अभी बिल्कुल बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं करूंगा किसी भी शेयर में नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अवॉइड कीजिए अभी अगर आप लोग न्यू बायर्स हैं तो,
ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल अवॉइड कीजिए, एंड हो सके तो आप लोग फैब से या फिर थर्सडे के बाद से आप लोग बाइंग करना, मतलब अगले मंडे से आप लोग बाइंग करना, ठीक है, तो क्योंकि मंथली एक्सपायरी है गाइस थर्सडे को, और उस दिन काफी शेयर गिरते हुए नजर आ सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए एनालिस्ट की राय हमारी क्या है कि 30 एनालिस्ट की यहाँ पे राय है, उनमें से 90% एनालिस्ट कह रहे हैं कि यहाँ पे बाइंग कीजिए, तो यहाँ पे एनालिस्ट की बाइंग रिकमेंडेशन है, हमारी बाइंग रिकमेंडेशन है, और यहाँ पे आप लोगों को ये इंट्राडे में काफी इफेक्टिव नजर आएगा, ठीक है, तो इसे आप लोग कंसिडर कीजिएगा एज अ इंट्राडे स्टॉक। और गाइज अगर इसका पी रेशियो देखें तो पी रेशियो भी 24.38 है, यानी कि इसने जो है 5 साल में अच्छा किया है। तो लेट्स सी इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देख लेते हैं। तो गाइज फाइनेंशियल रिपोर्ट आपके सामने है, यहाँ पे इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, यहाँ पे ग्रीन इंडिकेशन दे रही है, हाँ इंडस्ट्री नेट इनकम थोड़ी सी डिक्लाइन है बट जितने तो चलता है, एंड इंक्रीज इन मार्केट शेयर भी आपको देखने को मिलेगा। तो रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे 24.18% यहाँ पे अप गया है, जबकि इंडस्ट्री की कंपैरिजन करें इससे तो 7.45 इंडस्ट्री की परसेंटेज है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री की नेट इनकम की बात करें तो 9.19% है, वर्सेस यहाँ पे इंडस्ट्री की एवरेज की बात करें तो 20% है, ठीक है। तो शेयर की वैल्यू की बात करें यहाँ पे 12.92% से 26.64 बढ़ गया, तो काफी शानदार यहाँ पे 5 साल में शेयर बढ़ा है, एंड होपफुली आगे भी बढ़ेगा, एंड अपनी जो एक्चुअल वैल्यू है उस तक पहले पहुंचेगा, देन जो है आपको यहाँ पे और टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग हियर।